और राजधानी देहरादून में डेंगू के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार डेंगू के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते हॉस्पिटलों में भी अब बेड फुल होने लगे हैं। लेकिन नगर निगम लगातार दावा कर रहा है कि राजधानी देहरादून के अंदर किसी भी तरह का डेंगू नहीं पनपने दिया जाएगा। मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि समय समय पर हमारी नगर निगम की टीम फॉगिंग का कार्य करती है और घर घर जाकर डेंगू का लार्वा को नष्ट करने का कार्य कर रही है। इसके साथ ही जागरूकता अभियान भी नगर निगम द्वारा लगातार चलाया जा रहा है। वहीं देहरादून के वासियों ने आसपास पानी इकट्ठा न होने की अपील की है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। डेंगू जो है लोगों की जागरूकता से, लोगों की समझदारी से, चाहे डेंगू हो मलेरिया हो, ये इससे लोगों की समझदारी से ही इस पर हम काबू पा सकते हैं। तो मैं जनता से अनुरोध करता हूँ कि लार्वा कहीं हम पनपने दें दें। लार्वा वहीं पनपता है जहाँ साफ पानी होता है, जहाँ पानी जो है इकट्ठा होता है और हफ्ते भर पानी रुकता है, तो वहाँ जो है लार्वा पनपता है। इसलिए अगर लोगों की जागरूकता होगी तो निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान भी हम कर पाएंगे। और लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग की और हमारी टीम जो है घर घर जाके निरीक्षण करती है।